क्लास फोर एसएसटी लेसन एट। आज हम पढ़ रहे हैं इंडिया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, जिसमें रीडिंग होगी पेज 50, 51 एंड 52। और हमारे टॉपिक रहेंगे सेव द फॉरेस्ट, पॉइंट टू वाइल्ड लाइफ, पॉइंट थ्री चेक पॉइंट। क्लास हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सेव द फॉरेस्ट। वी गेट ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट सच एज फायरवुड, टिम्बर, लेक, रेसिन, गम, तेंदू लीव्स, मेडिसिंस एंड हर्ब्स। हम जो है जंगलों से काफ़ी प्रकार की वैरायटी जो है प्राप्त करते हैं, जैसे कि फायरवुड, टिम्बर, लेक, रेसिन, गम, तेंदू लीव्स एंड मेडिसिंस एंड हर्ब्स। फॉरेस्ट आल्सो रेगुलेट द वेदर एंड द क्लाइमेट। जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे वातावरण को और मौसम को भी नियमित करते हैं। दे कैन इंक्रीज रेनफॉल एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन। वे जो है रेनफॉल को बढ़ावा देते हैं और एयर पोल्यूशन को कम कर देते हैं। द ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। जो जनजातियां होती हैं वो जंगलों में जो रहने वाली जातियां होती हैं वो अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर होती हैं। दे आल्सो प्रोवाइड ए नेचुरल हैबिटल टू वाइल्ड एनिमल्स। वे जो है जंगलों में वन्य जंगली प्राणियों को नेचुरल जो रहने योग्य स्थान भी प्रदान करते हैं जंगल। अब मैं फॉरेस्ट आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जंगल जो है हमारे लिए बहुत, हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड सेव फॉरेस्ट। हम सभी को जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। वी कट एंड बर्न द ट्रीज टू प्रोवाइड लैंड फॉर फार्मिंग। हम जो है खेती के लिए, धरती बढ़ाने के लिए जंगलों को काटते हैं और उनको जलाते हैं। द फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स। जंगल जो है जानवरों के फालतू चरने से, ज़्यादा चरने से और जंगलों में आग लग जाने के कारण भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। वी मस्ट वर्क टूगेदर टू सेव दिस वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हमें जो है, हम सभी को मिलकर इस वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाने के लिए जो है मिलकर काम करना चाहिए ताकि जंगल बचाए जा सकें। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर आल्सो प्लानिंग टू सेव द फॉरेस्ट थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो भी जो है सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव जैसे प्लानिंग के कार्य करके इनको बचाने की कोशिश कर रही है। द चिपको मूवमेंट इन द अलकनंदा वैली वाज स्टार्टेड टू सेव द ट्रीज। चिपको मूवमेंट जो है अलकनंदा वैली में चलाया गया है पेड़ों को बचाने के लिए। स्कूल स्टूडेंट्स कैन प्लांट और अडोप्ट अ ट्री एंड लुक आफ्टर इट। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी प्लांट को जो है अडोप्ट कर सकते हैं, एक ट्री को अडोप्ट कर सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं ताकि पेड़ों को बचाया जा सके। यानी कि हम सबको मिलकर पेड़ों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क जितना भी पॉसिबल हो सके अवश्य करना चाहिए। अब है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एटसेट्रा लिविंग इन फॉरेस्ट। वन्य जीवन जैसे कि पशु, पक्षी, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट और जो है जंगल में रहते हैं। इंडिया हैज ए लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। भारत में जो है बहुत प्रकार की वाइल्ड लाइफ जो है, लार्ज वैरायटी की वाइल्ड लाइफ जो है पाई जाती है। एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम, केरला एंड कर्नाटका। हाथी जो है आसाम, केरल और कर्नाटका के जंगलों में पाए जाते हैं। द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। जो टाइगर है वो भारत का नेशनल पशु है। द रिनोसिरोस, हिप्पोपोटामस, टाइगर एंड डियर आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। रिनोसिरोस, हिप्पोपोटामस, टाइगर और डियर जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं। द वाइल्ड एस इज फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ। जंगली गधा जो है वो रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। लायंस आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। लायंस जो है गिर फॉरेस्ट के जंगलों में पाए जाते हैं। इंडिया हैज ए वैरायटी ऑफ डियर सच एज कश्मीर स्टैग, स्वैम्प डियर, स्पॉटेड डियर, मस्क डियर, माउस डियर एटसेट्रा। भारत में कई प्रकार के हिरन जैसे कि कश्मीर स्टैग, स्वैम्प डियर, स्पॉटेड डियर, मस्क डियर, माउस डियर एटसेट्रा, इस प्रकार के डियर पाए जाते हैं
अदर वाइल्ड एनिमल्स आर नीलगाय, एंटीलोप्स, ब्लैक बग, गेजल एटसेट्रा। ये सभी पशु भी भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट आर होम टू मंकीज एंड लंगूर्स। जो जंगल होते हैं वो मंकीज और लंगूर का घर होते हैं। इंडिया आल्सो हैज अ वैरायटी ऑफ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बर्ड्स। भारत में कई प्रकार के सुंदर पशु और पक्षी सुंदर और कलरफुल बर्ड्स पाए जाते हैं। द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। जो पिकॉक है वो भारत का नेशनल बर्ड है। द मेन टाइप ऑफ द बर्ड्स आर फेजेंट्स, गीज, मैना, पैराकिट्स, पीजन, क्रेन्स, पैरो, हॉर्नबिल एटसेट्रा। भारत में मुख्य प्रकार के ये पक्षियों के नेम हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। द रिवर आर फुल ऑफ फिशेज एंड रेप्टाइल्स। जो नदियाँ हैं वो फिशेज से और रेप्टाइल्स से भरी हुई हैं, जैसे कि मगरमच्छ रेप्टाइल्स में आते हैं ना, क्रोकोडाइल ये सब। सम टाइप ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एटसेट्रा। कुछ प्रकार के पशु, बर्ड्स, रेप्टाइल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू हंटिंग। शिकार के कारण जो है खतरे की कगार पर है, यानी कि उनकी जो जातियां हैं वो बिल्कुल खत्म होने वाली हैं। मैनी आर इन डेंजर। कई जो है खतरे में हैं और कई जो है खत्म होने की कगार पर है। वी मस्ट सेव द वाइल्ड लाइफ ऑफ अवर कंट्री। हमें अपने देश के वन्य जीवन को बचाने के लिए काम करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ वीक इज ऑब्जर्व इन इंडिया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल भारत में जो है अक्टूबर का मंथ जो है वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जाता है। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव एस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप्ड मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। केंद्र की सरकार और राज्य सरकारें जो है कई जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है स्थापित की हैं, बर्ड सेंचुरी स्थापित की हैं एंड नेशनल पार्क टू सेव द वाइल्ड लाइफ इन अवर कंट्री। अपने देश की जो है बर्ड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। नाउ हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज बैंड इन अवर कंट्री। अब जो है शिकार करना हमारे देश में बिल्कुल बैन हो चुका है। हमारे देश में वन्य जीवों का शिकार जो है बिल्कुल बैन है।